सो के उठा तो ऐसी आदत होगी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज रहे 9, जस्ट अभी मेरा ब्लॉग आया, जाके देखिए। और आज आज मैं उठ गई थी 8 बजे। इसने मेरे को जल्दी उठा दिया 9 बजे, क्योंकि आज मैं रात को 2:30 बजे सोया था वीडियो एडिट करके। स्वाति की भी वीडियो एडिट मैंने करी थी, इसलिए मेरे को 2:30 बजे गए थे। फिर भी इसने जल्दी उठा दिया, क्योंकि आज शिवरात्रि है। नहीं, सावन का पहला सोमवार, सॉरी सावन का महीना। तो इसने मेरे को सुबह सुबह उठा दिया है कि सावन का पहला सोमवार है, थोड़ा सामान लेके आओ ना। खुद उठी पड़ी थी 8 बजे, खुद लेके चली जाती, लेने चली जाती, मेरे को परेशान किया इसने। शर्म नहीं आती आपको है? मुझे क्यों शर्म आएगी, दीदी काम कर रही, अच्छी बात है, सीखेगी। बहुत सीख चुकी हूँ करना। हाँ, तभी तो एडिट भी मेरे को करनी पड़ रही है इसकी, भी खुद करो। कर ली थी, ठीक है। मैंने बोला उसमें से जो पैसे आएंगे मेरे को दोगी, कह रहा ना उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। और दोपहर 2 बजे बोला था, रात के 2 बजे डाल दी मिस्टर ने वीडियो, वो गलती से डल गया था। बड़े एडिटर, कोई बात नहीं, वीडियो तो डाली। अगली बार से स्वाति का टाइम होगा दोपहर का 2 बजे वीडियो का, मेरा सुबह 9 बजे का, ठीक है। तो मैं बाहर आया हूँ मार्केट में थोड़ा सा सामान लेने के लिए, और स्वाति ने तो फल फ्रूट ऐसे मंगाए हैं जैसे बहुत सारे खा लेगी, लेकिन यहाँ मेरे को केले के अलावा और कुछ दिखाई नहीं। देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है, क्या मिलता है स्वाति के फल फ्रूट। तो कुछ भी नहीं मिला, मैंने केले ले लिए हैं स्वाति के लिए, स्वाति को केले बहुत पसंद है। आज स्वाति का तीसरा पेपर है और मैं 2 घंटे के लिए फिर से आज़ाद होने वाला हूँ, स्वाति पेपर देने जाने वाली है। मैं 2 घंटे ऐश ऐश। इस सैंडल में स्वाति को इतनी दिक्कत होती है, इसके अंगूठा में छिल गया है, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती पहन के जा रही है। तो मैं इससे ये कह रहा हूँ कि फैशन ना जाए, बेशक पैर कट जाए। नहीं, ये देखो इसके दर्द होना शुरू हो गया अंगूठे में, फिर भी लेकिन फैशन बड़ी चीज़ है भैया, चोट के आगे चोट तो कुछ भी नहीं है। जाओ जाओ जाओ, पेपर दे के आओ, बाय। हाँ मैं आ जाऊँगा जब पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो जाओ जाओ, पास होने जितना लिख के आना। करो 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 करो, कर दिया यार, क्या बात है। तो हम लोग जा रहे हैं फिल्म सिटी में, जहाँ हम फ्लैट ले रहे हैं वहाँ मकान मालिक का घर है, तो वहाँ एग्रीमेंट साइन करने के लिए। मेरे होते हुए भी देखो ये फ़ोन पे लगी हुई है, मैं इसके पास बैठा हूँ फिर भी देखो बस फोन फोन फोन, देख लो मैं फ़ोन नहीं चला रहा बिल्कुल भी। आज हम लोग आए हैं टी सीरीज़ के ऑफिस में, मीटिंग है। देखो स्वाति यहाँ भी ब्लॉग बना रही है, ये हमारे धर्मेंद्र भैया और ध्रुव भैया। तो टी सीरीज़ के अंदर आज हम घुसे, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हमारा गाना आने वाला है बहुत जल्द। हंस क्यों रही हो? आने वाला है गाना, आने वाला है, आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो गाइस ये देखिए, मैं टी सीरीज़ के ऑफिस से होके आया हूँ और इन्होंने हमें भगा दिया है। मैंने कहा मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, हमें ले लो, लेकिन कह रहे नहीं। मैं आज स्वाति को भी इसीलिए लेके आया था, मैंने कहा देखो ये टी सीरीज़ है, मैं स्वाति को लेके आया था, मैंने कहा शायद स्वाति की वजह से मेरे को काम मिल जाए, लेकिन स्वाति को देख के इन्होंने मेरे को भगा दिया, कह रहे अकेले आते तो मिल जाता, लेकिन स्वाति को ले आए तुम। तो हम अपने अमरपाली प्रिंस ले के ऑनर जी से बात करके आ गए, उन्होंने हमें चाबी दे दी है कि आप जाके रह सकते हैं। तो हमारे ऑनर जी से बात हो गई है अभी, हाँ, अमरपाली प्रिंस लेके, तो उन्होंने बोला है कि आप आज ही शिफ्ट हो जाओ। तो देखते हैं, कागज़ वगैरह देने गए हैं मेंटेनेंस में, अगर आज ही शिफ्ट हो गए तो और बढ़िया है। स्वाति बड़ी खुश है देखो, अरे क्या बात, ठीक है, निकल रही है खुशी के मारे। बेचारी ने किराया भी भर दिया, फिर भी अमरपाली वाले अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे गेट पास हम 2 दिन बाद का देंगे। नहीं बैठो तुम, घर की चाबी मिल गई है बट हम फिर भी नहीं जा सकते। अभी आओ दिखा तो दूं तुम्हें घर। हाँ। तो भैया फाइनली चाबी हमारे हाथ में आ चुकी है, अब देखो भैया बिल्डिंग घर की लक्ष्मी के हाथ में। ओह चाबी घर की लक्ष्मी, तो चाबी आ चुकी है, अब देखते हैं क्या प्रोसेस और है कि हम अपना सामान लेके यहाँ पे आए। बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी भी इन्होंने दो, बढ़िया है, सिक्योरिटी का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का और बोला इन्होंने कि बुधवार को शाम तक हम शिफ्ट हो जाएंगे, आज एक बार और फाइनल रूम देख लेते हैं। और अब पहले से रूम अच्छा हो गया क्योंकि पहले पेंट वगैरह हो रहा था, अब दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया हो गया। पहले हैंडल तो खोलो,
ये एक बार घुमाओ, ये एक बार घुमाओ, घुमाओ तो, ये बस मुझे पता है ना। अरे चलो हैंडल खोलो, हैंडल, एक मिनट रुक जाओ, हमारा सामान गिर गया। चलो हैंडल मैं खोल देता हूँ। अरे बड़ी गेट के अंदर ही सिक्योरिटी इतनी है। खुल गया, एंट्री हो चुकी है हमारी रूम में। ये हॉल ठीक है, इसमें कोई रहता? चलो आओ, पंखे, आरओ, गैस की पाइपलाइन, और क्या चाहिए भैया, साफ है सारी खिड़कियां। ये लो, हगो बैठ के। क्या कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं क्या करूँगा। यहाँ भी हग लो। गर्म पानी से नहाओ, गीजर लगे हुए हैं। खूब वीडियो बनाओ। कैसा लग रहा है स्वाति जी आपको, आपने फ्लैट ले लिया है फाइनली? कब से रहने वाले हो आप? पता नहीं, चाबी तो दे दी पर घुसने नहीं दे रहे हैं। चाबी दे दी लेकिन घुसने नहीं दे रहे, अभी सिक्योरिटी रीजन से 2 दिन और लगेंगे, उसके बाद सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और उसके बाद हम रहेंगे यहाँ पे, यहीं खड़े होकर स्वाति वीडियो बनाएगी। तो फाइनली हमें धर्मेंद्र भैया जी ने फ्लैट की चाबी दिलवा दी है, और सिक्योरिटी रीजन से 1 से 2 दिन लगेंगे, बुधवार शाम तक धर्मेंद्र जी ने वादा किया है कि हमें यहाँ शिफ्ट करवा देंगे। अगर आपको भी रेंट पे लेना है तो धर्मेंद्र जी से संपर्क कीजिए, नीचे नंबर आ रहा है। गाइस जब भी हम सेक्टर 76 आते हैं डोसा खाते हैं हमेशा, तो आज से सेक्टर 76 मैनअपन है, क्योंकि हम परमानेंटली सेक्टर 76 में रहने वाले हैं। तो डेली डोसा, सुबह शाम डोसा, रोल। आओ, नहीं आना, अभी इसने अपना सर शीशे में मार लिया, ट्रांसपेरेंट शीशा था तो इसे पता नहीं चला गेट है कि क्या है, शीशे में मार लिया। अब मेरे तो कह रही तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, अब इसमें मेरी क्या गलती? पूछते तो कि बाबू कहाँ लगी, कहाँ लगी बाबू? अब छोड़ो, अब नौटंकी दिखा रहे हो, अब पूछो तो नौटंकी। अगर आदमी करे तो करे क्या बताओ, बर्बाद है आदमी, बर्बाद। करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। तो स्वाति आज तुमने क्या ब्लॉग बनाया? अच्छा, तो स्वाति का ब्लॉग देखना, डेली दोपहर में 2 बजे आएगा, मेरा सुबह 9 बजे और स्वाति का 2 बजे। और अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन और जा रहे हैं घर पे। आज बहुत थक गए यार, टी सीरीज ऑफिस में गए थे भैया। जब भी अंदर आएंगे तो एप्पल जूस और लीची जूस और रूह अफ़ज़ा, अब पीना मेरे को पड़ेगा, मुझे पता है। थैंक यू, ये मेरे लिए लेती है। स्वाति आज क्या बना रही हो? क्या तेरी? तो गाइस आज हम चाबी लेके आ गए हैं अपने फ्लैट के रूम की, और बुधवार को शाम को हम फ्लैट में होंगे, उम्मीद है 100% की। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी बहू बड़ी सुंदर लग रही है, अरे मेरी बहू है। कितनी खुश हो रही है। लव यू, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। ऐसी हालत हो गई है शादी के बाद, बीबी के बाल खाने पड़ रहे हैं। रात के 1 बजे में मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, स्वाति के बाल खाते खाते चाउमीन। कैसी लगी वीडियो लाइक करे, कमेंट करे। घोड़े बेच के सोगी है, चने बहुत खाती है इसलिए बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। सो नहीं रही है, ये हंस रही है, देखो बाल खिला रही है मेरे को, ऐसे इतने इसके बाल उड़ते हैं हवा की तरह। डैंड्रफ वाले बाल खाने पड़ रहे मेरे को। हेलो, डैंड्रफ आपसे ना अच्छे हैं? 4-5 तो जुए के अंडे मेरे मुंह में घुस गए हैं। जुए? तो ये सोने की एक्टिंग कर रही थी, देख लो। मैं सोते हुए को भी हंसा देता हूँ, फिर तो ये अपनी है।